नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला अपनी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं अपने विषय के बारे में आपको बता दूं, कई व्यक्ति होते हैं जिन्हें मितली नौजिया की शिकायत होती है, मतलब उल्टी का मन ही करता रहता है। और कई व्यक्ति होते हैं जिन्हें बहुत ही उल्टी आती ही रहती है, हमेशा उल्टी आती रहती है, सफ़र में उल्टी आती रहेगी, बाहर गए तो उल्टी आती रहेगी, घर में है तो उल्टी आती रहेगी, कोई भी थोड़ा सा भोजन अतिरिक्त हो गया या कुछ अलग चीज़ खा ली तो उल्टी आने लगेगी, या कई लोगों की टेंडेंसी ही होती है कि उन्हें उल्टी आती है। तो ये पित्त विदग्धता के कारण होता है। जो पित्त का शरीर में यदि स्वस्थ अवस्था में पित्त नहीं है तो यह चीज़ होती है, और उसके साथ वात वात भी यदि दुष्ट है तो ऊपर की तरफ पित्त को, जो विदग्ध पित्त है उसको अन्य आहार के साथ ऊपर की ओर ढकेलती है, इसके कारण उल्टी की इच्छा होती है व्यक्ति को या उल्टी होती है। तो इसके लिए मैं तीन साधारण सी दवाइयां आपको बता रहा हूं जिनके प्रयोग से इस बीमारी से चाहे कितना ही क्रॉनिक केस हो आप पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। बस जरूरत है कि विश्वास के साथ आप इसका प्रयोग, यदि बहुत लंबा रोग हो चुका हो तो 3 से 4 महीने करें, या अभी अभी का रोग है तो मुश्किल से 10-15 दिन 20 दिन में ये चीज पूरी तरह ठीक हो जाएगी। और जिन्हें उल्टी आती है उन्हें तुरंत ये योग खिलाने पर उल्टी रुक जाती है। यदि उल्टी रेगुलर आ रही है तो तुरंत आप ये योग उन्हें खिला दें तो उनकी उल्टी रुक जाएगी और उस दिन वह पूरी तरह उससे मुक्त रहेंगे। और यदि रेगुलरली आप उन्हें ये दवाइयां खिलाते रहेंगे तो इस बीमारी का जड़ से खात्मा हो जाएगा, ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो यदि किसी को उल्टी आ रही तो तुरंत यह योग दे दें, और जिसे यह बीमारी बहुत लंबे समय से है तो उसे निरंतर इसका प्रयोग कराएं जैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो तले भुने पदार्थ, मिर्च मसाला, गरिष्ठ भोजन, ज़्यादा ठंडी चीज़ें, ज़्यादा गर्म चीज़ें, खट्टी चीज़ें, बासी चीज़ें, समोसा, आलू बंडा, जंक फूड, फास्ट फूड, बेसन, मैदा, पराठा, पूरी, ये सब आपको बंद कर देनी है। मूंग की दाल, रोटी, लौकी, परवल, सेब, अनार और पपीता तथा चिलगोजे और गिलकी भाजी आदि का सेवन आपको करना है। अब मैं आपको वो तीन दवाइयां बता रहा हूं। ये तीनों दवाइयां जो है आपको डाबर या वैद्यनाथ में से किसी एक फार्मेसी से ही लेनी है, हो सके तो वैद्यनाथ की ये दवाइयां लें, ठीक है। तो ये तीन दवाइयों के नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, पेन पेपर ले लें और इसे अच्छे से नोट डाउन कर लें। ये बहुत ही अनुभूत योग है, बड़ा सस्ता पड़ता है और व्यक्ति इसका प्रयोग करके पूरी तरह इस गंभीर बीमारी से मुक्त हो सकता है। तो ये तीनों दवाइयां हैं। प्रथम इसमें दवाई है मयूर चंद्रिका भस्म, यह एक पैक आएगा 10 ग्राम या 5 ग्राम का, तो आप एक पैक ले लीजिए। और सूत शेखर रस, यदि आपकी स्थिति अच्छी है तो स्वर्ण युक्त सूत शेखर रस लीजिए, सोने युक्त। यदि आपकी स्थिति उतनी अच्छी, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो आप सादा सूत शेखर ले लीजिए। तीसरी चीज है काम दुधा रस, ये भी आपको गोली के रूप में या भस्म के रूप में मिल जाएगा। तो ये तीनों चीजें आपको वैद्यनाथ की लेनी है, सूत शेखर रस, काम दुधा रस और मयूर चंद्रिका भस्म। तो सूत शेखर रस एक गोली, काम दुधा रस एक गोली तथा मयूर चंद्रिका भस्म एक चुटकी, यानी कि 1/4 चम्मच से भी आधी मयूर चंद्रिका भस्म। तो ये हुई एक मात्रा, तो एक गोली सूत शेखर रस, एक गोली कामदुधा रस और मयूर चंद्रिका भस्म एक चुटकी यानी 1/4 चम्मच से भी आधी मात्रा आपको ठंडे पानी के साथ खाने के आधे घंटे पश्चात सेवन करना है, या जिन्हें खाने के तुरंत बाद उल्टी आती तो उन्हें खाने के पहले इसका सेवन करना है, ठीक है। सुबह शाम खाने के आधे घंटे बाद आप इसका सेवन करें, यानी या खाने के पहले सेवन, या जिन्हें खाने के तुरंत बाद उल्टी आती तो वो खाने के आधे घंटे पहले इसका सेवन करें ठंडे पानी से सुबह शाम। तो 1/4 चम्मच से भी आधी मयूर चंद्रिका भस्म, एक गोली स्वर्ण सूत शेखर रस, एक गोली कामधुधा रस का सेवन सुबह शाम खाने के लगभग आधे घंटे बाद। सामान्य जो जिन्हें खाने के तुरंत बाद उल्टी नहीं आती उन लोगों को खाने के बाद इसका प्रयोग करना है, और जिन्हें खाने के तुरंत बाद उल्टी आती है उन्हें खाने के आधे घंटे पहले इसका उपयोग करना है। और तो इसका लंबे समय तक उपयोग करने पर आपकी जो ये बीमारी है पूरी तरह खत्म हो जाएगी, और जिन्हें उल्टी आती है उन्हें तुरंत ये योग दे देने पर उनकी उल्टियां रुक जाती हैं। तो तुरंत आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूट रिलीफ मिलता है इसमें।
तुरंत सडन रिलीफ मिलता है इसमें, कोई भी संदेह की बात नहीं है, तुरंत रिलीफ मिलता है। आप तुरंत व्यक्ति को दें, यदि थोड़ा और उसको दिक्कत हो रही तो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में दे दें कि एक चुटकी से दो चुटकी मयूर चंद्रिका भस्म कर दें और दो दो गोलियां सूदशेखर रस और कामदुधा रस कर दें, तो उसकी उल्टियां जो रेगुलर 10 से 20 आ रही हैं वो तुरंत रुक जाएंगी। तो इन चीज़ों का प्रयोग यदि लंबी बीमारी है, कई सालों की बीमारी है, तो आप 3 से 4 महीने करते हैं तो ये पूरी तरह ठीक हो जाता है। या शुरुआत की बीमारी 2 से 3 महीने से ही है तो 15-20 दिन में और लगभग ज़्यादा ज़्यादा 1 महीने में ये चीज़ पूरी तरह खत्म हो जाती है, बशर्ते खान पीन अच्छा रखें और गरिष्ठ भोजन ना करें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, पानी पिएं ज़्यादा से ज़्यादा, इन सब चीज़ों का प्रयोग आप करें तो पूरी तरह ये चीज़ ठीक हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ आप इनका प्रयोग जरूर करेंगे और इससे लाभ जरूर उठाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत से रोगियों पर इसका प्रयोग किया है और प्रायः सभी रोगियों पर इसका 100% लाभ मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि इन सरल सस्ते योगों का आप उपयोग करते रहें और स्वस्थ होते रहें। और यदि आप भी चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे जादुई सस्ते सरल योग बताता रहूं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें किसी भी प्रकार की थोड़ा भी कंजूसी ना करें, संकोच ना करें, शर्म ना करें, तुरंत सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं, टैप करें, ताकि आपको मेरे नए नए नुस्खे टाइम पर मिलते रहें, नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा मिले। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर करिए, अपने फेसबुक फ्रेंड्स में शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए, ट्विटर पर करिए, इंस्टाग्राम पर करिए और भी जिन साइट से आप जुड़े हों उन पर आप इनको शेयर करिए, ताकि लोगों को फ़ायदा मिले इन चीज़ों से। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर मैं अगला वीडियो बनाऊं। यदि आपको गंभीर रोगों पर मुझसे दवा बुलवानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8982633328, इस पर आप व्हाट्सएप करें और मुझसे चर्चा करें, मैं आपको दवा भेजूंगा जिससे आप निसंदेह पूरी तरह गंभीर बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। पर एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं कस्बे में प्रैक्टिस करता हूँ, शहपुरा बिटौनी में, जहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जहाँ पर वीपी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, स्पीड पोस्ट से दवा भेजता हूँ, इसलिए आपको पेमेंट पहले ही एडवांस करना पड़ेगा। सेकेंड डे मैं आपको दवा 1 से 2 बजे के बीच में भेज देता हूँ और उसकी रिसिप्ट भी मैं आपको भेज दूंगा, तो आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी दवा किस दिन कहाँ तक पहुँची है। सो मुझे विश्वास है आप इसका प्रयोग जरूर करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, सुखी रहें, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। Thank you.